अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम बना रहे हैं माश की दाल, जो मसाले वाली दाल है और मज़ेदार बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, लेकिन आप इसे गेहूं की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावलों के साथ भी। तो देखिए किस तरह से बनती है ये माश की दाल। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस दाल को 250 ग्राम से ज़्यादा बनाया था, हम आपको 250 ग्राम दाल की रेसिपी दे रहे हैं। तो एक कप की इतनी आप दाल ले लें, यानी कि 250 ग्राम, और इसके बाद इसे अच्छे से साफ़ करके धो लें, और धोने के बाद आप इसे भिगो कर रख दें कुछ 2 घंटे के लिए। इसके साथ ही कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर देना है, तो 1.25 कप के इतना ऑयल ऐड किया है हमने, और इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ऐड कर दिया है। इसे हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और जब प्याज ब्राउन होने लगे, यानी कि थोड़ी सफ़ेद और थोड़ी सी ब्राउन, तो उस वक्त आंच को स्लो कर दें और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि जो प्याज़ है इससे ज़्यादा ब्राउन ना हो। अब इसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, तो 1 टेबल स्पून के इतना लहसुन का पेस्ट ऐड करें और 1 टेबल स्पून के इतना ही अदरक का पेस्ट ऐड करें। इसे अच्छे से भूनें। अदरक लहसुन को हमें लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनते रहना है। अब इसमें 5 हरी मिर्चों को बारीक काट कर ऐड कर दें। अब जो अदरक लहसुन का मसाला है वो अच्छी तरह से भून गया है, देखिए लाइट ब्राउन नज़र आ रहा है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने बारीक पीस लिया था उसे ऐड कर दिया, और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनते रहेंगे जब तक कि जो टमाटर का पानी है वो सूख ना जाए। अब इसमें 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करना है। हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून के इतना रेड चिली पाउडर ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, तो जो हमने आपको बावर्ची का गरम मसाला सिखाया था वो अगर आपने बनाया है तो उसे ऐड करें, बहुत ही बेहतरीन बनता है। 1/2 टेबल स्पून के इतना ऐड करना है उसे। अगर आपने वो मसाला नहीं बनाया तो आप कोई भी बेहतरीन गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से भूनें। इसके साथ ही इसमें आपको 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करनी है, 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी को ऐड कर दें और इसे भी अच्छे से भून लें। जब मसाले के ऊपर ऑयल आ जाए तब इसमें दाल ऐड कर दें धोकर, और इसे आप तेज़ आंच पर 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनें। हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून के इतना नमक ऐड किया था, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से भूनते रहें कुछ 5 मिनट तक तेज़ आंच पर, और जब देखें कि सारे मसाले का पानी जो है वो ड्राई हो गया है, तो इस वक्त इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तो 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी ऐड करें। जब इस तरह से नज़र आने लगे दाल थोड़ा पानी ऐड करने के बाद, तो बस इस वक्त आपको आंच स्लो कर देना है और इसे स्लो आंच पर ढककर 15 से 20 मिनट तक रखना है। बीच बीच में आप चम्मच हटाकर चेक भी करते जाएं, और आपको लगे कि पानी बहुत ही कम हो गया है और जो दाल है वो जल जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, गर्म पानी ऐड करें। इसके बाद आप देखें कि जो दाल है वो गल चुकी है, हमने इसे 15 से 20 मिनट तक दम पर रखा था, और इसके बाद हम इसमें इस तरह से लंबाई में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे आखिर में। तो इस वक्त हम थोड़ी सी, यानी कि 1 इंच के इतनी अदरक को इस तरह से लंबाई में कटी हुई ऐड करेंगे, और इसी के साथ 1/2 कप के इतना हरा धनिया ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ये फीकी वाली हरी मिर्चें हैं, तो 4 से 5 अदद हमने फीकी वाली मिर्चें ली हैं, उसे तिरछा तिरछा काट लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, और जब इसे सर्व करेंगे तो इसी तरह से सर्व करेंगे जैसा हमने आपको दिखाया है। तो बस इस तरह से आप इसे सर्व करें, और जब भी इसे ट्राई करें तो हमें कमेंट करना ना भूलें। इसके पहले भी हमने आपके साथ माश की दाल की और भी रेसिपी शेयर की है, तो उन्हें भी चेक करें, और यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। ऐसे ही और भी बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो जो नए देख रहे हैं वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये फ्री है। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।